सबसे पहले आपको मालूम है, हम पहचान लेते हैं। कोई भी टेंस हम बनाते हैं तो सर्वप्रथम हमें इसे पहचानना होता है हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए, तो सही पहचान करते हैं। उसके पश्चात ही हम वाक्य को समझते हैं। जैसा लिखा हुआ इस वाक्य की पहचान है, वाक्य का अंत तो देखते ही आपको इससे पहले के वीडियो में दो वीडियो टेंस के बनाए बताया गया है। टेंस की पहचान करते हैं तो वाक्य के अंत से, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी चुकी है, चुकी है, आ है, ई है, या है, आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट, वहाँ पर टेंस क्या होता है, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, ज़्यादातर बच्चों को याद होता है लेकिन घी वाले भूल जाते हैं। आ ई या आ है, ई है, या है, आए, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। यदि सिर्फ आए, ई है, या है, वो पास्ट इंडिफिनिट होता है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से देखना है कि आ ई या के साथ में यदि हैड एंड है शब्द जुड़ जाता है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। बहुत ही सिंपल से पहचान है कि चुका है, चुके हैं, चुके हैं, आ है, या है, आदि शब्द आए तो वहाँ पर हम कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। इस एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, लिया है, क्या है, आया। कई जगह आपको पहचान के रूप में लिया है, दिया है, किया है भी लिखा मिलता है। देखिए अगर लिया है लिखा है तो उसमें भी या है लास्ट में आया है, दिया है, या है, किया है, या है। सिर्फ पहचान में आप याद करिएगा या, क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया है तो क्या हो गया, या। हमने फिल्म देखी है, ई प्रेजेंट परफेक्ट। वे लोग जा चुके हैं, प्रेजेंट, चुके हैं से प्रेजेंट परफेक्ट। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं, हमने देखा चुका है, किया है, ई है, आया, तो हम क्या कहेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस। चलिए अब एक एक करके हम इसके बनाने के नियम देखते हैं। बनाने का नियम, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक। यदि पहले आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है, पहचान से प्रेजेंट परफेक्ट का सकारात्मक यदि वाक्य है, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात हैज या है, ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, किसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट, और सब्जेक्ट हैज या है वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखिए ये बार बार आपको फॉर्मूला नहीं रखना, यदि आपको एक फॉर्मेट ठीक से याद है कि हिंदी से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपको पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है। जब भी सकारात्मक वाक्य होता है या नकारात्मक वाक्य होता है, नेगेटिव होता है, वहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जिस भी टेंस की हो सकती है। जैसे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपने क्या लगाई है, हैज़ या है, उसके तुरंत पश्चात मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, फिर इसके अलावा अगर कोई और भी वर्ड्स है तो उनको भी हम लिखते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। यदि आपको फॉर्मूला मालूम है कि सकारात्मक का स्ट्रक्चर ये होता है तो आपको सिर्फ हैज या हैव याद करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के तौर पर शायद हेल्पिंग वर्ब है, मींस प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज है, वो लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस को बना देते हैं। नहीं याद है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है। निगेटिव होने पर इसको हम नकारात्मक कहते हैं, नकारात्मक हम वाक्य में यदि नहीं शब्द आ जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, नकारात्मक। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सकारात्मक जैसा ही होता है, बस नॉट लगता है। अब नॉट कहाँ लगेगा इस बात को ध्यान रखना होता है कि हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात लगता है। चलिए हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दीजिए, सब्जेक्ट एज ए हेल्पिंग वर्ब हो गए एंड नॉट, फिर मेन वर्ब लगा, मतलब नॉट को आप हमेशा कहाँ सेट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट को प्रयोग करते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जिसको हम कहते हैं प्रश्न वाचक, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा गया हो या प्रश्नवाचक शब्द आए हों, क्या क्यों कब कहाँ कैसे शब्द आए हों, तब हम उन वाक्यों को कहते हैं इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। आपको मालूम है इंट्रोगेटिव के दो रूप होते हैं, एक तो
ऐसे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं या यूं कहें जिनका आंसर हमें हाँ या ना में यस या नो में देते हैं। अब हम लिखते हैं हेल्पिंगर को सबसे पहले हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंगर भी है ना हैज या सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और यद क्या क्यों कब शब्द बीच में आ जाए या क्यों तब ये जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में तब इनकी मीनिंग लगाएंगे। अब लिखेंगे डब्ल्यू वर्ड जो भी आया जैसे क्या आया है तो व्हाट लिख देंगे क्यों आया है व्हाई लिख देंगे डब्ल्यू वर्ड हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब की मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब ये बार बार आप याद करोगे तो बहुत परेशान होंगे और या रटने में भूल जाओगे आपको फॉर्मेट हमेशा याद रखना है यस या नो में आंसर देना है तो ऊपर वाला ही फॉर्मेट बिल्कुल रहता है बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं बाकी वही है देखिए ना सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दी ये है आपके फॉर्मूला आप आई होप लिख लीजिए याद कर लीजिए एक दो बार सबस के लिखिए याद हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हैज लगा देंगे अब आपको मालूम होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ही शी इट एंड नेम कोई भी नेम हो वो सिंगुलर के अंतर्गत आता है और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हैव लेकिन पहले आपको देखना है टेंस कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट है तभी हैज या हैव लगाएंगे यदि और कोई होता तो उसकी हेल्प लगा चलिए एक एग्जाम्पल हम बनाकर देखते हैं लिखा हुआ है एग्जाम्पल आपका वह घर चला गया है या हैज आया तो आपका क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव क्योंकि सकारात्मक है तो सकारात्मक का सूत्र हमने क्या बताया सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है वह वह ही होगा सिंगुलर होने की वजह से हैज हेल्पिंग वर्ब तुरंत हैज लगाएंगे थर्ड अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है चला गया जाने की गो और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन गो वेन गॉन इररेगुलर वर्ब है इसका भी एक अलग से मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें 10 से 12 आपको वर्ब के फॉर्म्स लिख कर दी हैं आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं He has gone. कहाँ चला गया Home. ये आपका क्या हो गया Subject. Has क्या हो गया Helping verb. Gone क्या हुआ Verb की Third form. And Object. देखिए कुछ इसी तरह यही तो फॉर्मूला बता रहे Subject, Helping verb के तुरंत पश्चात आप क्या लगा रहे हैं Verb की Third form and Object. चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस तुम खाना खा चुके हो सर चुके हो चुके देखिए चुके हो से आपने जाना कौन सा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है चलिए इसको लगा देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य दिख रहा है ना नहीं ना लगा और ना ही कोई क्वेश्चन किया गया तो सकारात्मक हो गए चलिए इसको लगा लेते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले तो यू हो जाएगा यू तुम सब्जेक्ट यू यू आपका प्लूरल है देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है यू तुम करता है ना आप सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात हम क्या लगाते हैं हैज या हैव अब आपको देखना है यू आपका सिंगुलर है या प्लूरल तो यू आपका प्लूरल होने की वजह से हम हैव लगा रहे हैं यू हैव आप वर्ब के थर्ड फॉर्म खाना खाने की होती ईट ईट एट ए ई टी एट ईटन लगा देंगे हम ईटन क्या खाया फूड ऑब्जेक्ट देखिए कितना आसान सर बस आपको इतना याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट पहचाना चुका है चुकी है चुके हैं आ है ई है ए है आदि शब्द आए तो प्रेजेंट परफेक्ट हो इसके पश्चात आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी क्या लगती है दो चीज़ें याद रखना एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एंड हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई हैज या है लगा कर सेंटेंस को आप बना सकते हैं चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं राहुल घर चला गया है या है आया चलिए सब्जेक्ट क्या है राहुल राहुल नेम है तो सिंगुलर हो जाएगा राहुल के साथ हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना जाने की होती गो व्हेन गॉन राहुल हैज गॉन कहाँ होम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट चलिए नेक्स्ट बनाते हैं मैंने नहीं देखा है प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव आ गया मैंने की आई आई आपका प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे हैव अब नॉट कहाँ लगाएं
लिंगम के तुरंत पश्चात लगाते हैं आई हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने की होती सी सा सीम, तो आपकी हो जाएगी सीम, सेंटेंस बन जाएगा आई हैव नॉट सीम, आई हैव प्लस सब्जेक्ट है आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब दो है, हैज या है, क्योंकि यहाँ पे आई आपका प्लूरल है इसलिए हैव लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने नहीं खेला है आई प्ले, प्ले की होती है प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेट, लेकिन प्ले प्लेट प्लेट रेगुलर फॉर्म ईडी जो जाता है। क्या आपने देखा है आ है से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का आ है से तो देखा आपने प्रेजेंट परफेक्ट है, अब प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा इंट्रोगेटिव, क्या क्यों शब्द आया है ना, देखिए इंट्रोगेटिव सिंपल है तो आप बना दीजिए इसको यस या नो में जवाब दे सकते हैं, हाँ हमने देखा या पहले नहीं देखा। तो अब इसमें हमें क्या क्यों कब की मीनिंग नहीं लगानी है, सिर्फ क्या करना है हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब आपको इंट्रोगेटिव फिर रिपीट करते हैं, क्या करते हैं सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं जैसा कि फॉर्मूला में लिखा था हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, तो चलिए यहाँ हैज लगेगा, यह आपने के लगाएंगे यू, तो यू के साथ लगेगा हैव, हैव वर्ब हो गई यू, देखने की सेम या देखने की होती सी हैव यू सीन, बहुत छोटे छोटे से अभी वाक्य लिए हैं लेकिन आप लोगों को इन्हें पहले समझ जाए, जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बड़े बड़े वाक्य बहुत आसानी से बना लेंगे। आपने क्या देखा है, अरे बाप बीच में आ गए, देखिए इंट्रोगेटिव के दोनों रूप लेते हैं, इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं ना, एक तो क्या क्यों कब आपका बीच में आया, एक तो प्रारंभ में, अब बीच में आया है तो क्या मीनिंग लगेगी, बिल्कुल ऐसा ही होगा बस इससे पहले क्या की मीनिंग जुड़ जाएगी, क्या की होती है वर्ड, वर्ड दोनों में कितना फर्क है यहाँ से, लेकिन आपको बार बार याद नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे में देखिए खाली रखूंगा जो भी है और कुछ भी नया नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राम स्कूल क्यों गया, क्यों फिर बीच में आया, या है से तो पहले आपने जाना प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, क्या क्यों आया तो इंट्रोगेटिव हो गया, या है आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, चलिए बना लेते हैं बीच में क्यों की लगाई वाई, वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब आपको देना है देखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट राम है तो है लगाएंगे क्योंकि राम आपका सिंगुलर है, वाई हैज राम जाने की क्या होती है गो, और सेकंड फॉर्म वेंट गॉन, वाक्य में आपका राम हो गया स्कूल और जाना बचा तो स्कूल तो क्रिया है ना, क्रिया क्या है जाना, जाने की थर्ड फॉर्म लगाइए गो वेंट गॉन, गॉन लग गया कहाँ स्कूल, वाई हैज राम गॉन स्कूल, इस तरह आज हमने छोटे छोटे प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस देखे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आप कभी दोबारा ना भूलें, इसके लिए बेहतर है कि आपके पास जो भी बुक्स हैं उन बुक्स से इन टेंसेस का आप प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला को समझिए, पहले पहचान समझिए, जो भी है उन रूल्स को उसके हिसाब से टेंस को बनाइए, ग्रामर आपको तभी आ सकती है जब आप उनको बार बार बनाते हैं बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। बाकी थैंक यू क्लास।